उपचुनाव में भाजपा की जीत का जश्न छिंदवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मनाया। इस दौरान पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने कहा कि कमलनाथ ने छिंदवाड़ा की जनता को 40 सालों तक धोखा दिया है। परासिया में भाजपा की उपचुनाव में जीत को लेकर भाजपा कार्यालय में जश्न का माहौल रहा। पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने कार्यकर्ताओं के साथ जीत की खुशी मनाई। इस दौरान बावरिया ने कहा कि मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को नहीं भाजपा को स्वीकार किया है। उन्होंने कमलनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि छिंदवाड़ा में जनता को 40 सालों से धोखा दिया गया, मध्य प्रदेश के किसानों को धोखा दिया गया, अब छिंदवाड़ा की जनता को इनसे सबक लेना चाहिए। उन्होंने कहा, भाजपा सदा ही किसानों की पार्टी रही है। भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की बात कही और उसे किया है। चुनाव था विगत दो वर्ष पूर्व जब विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में हुए थे, उसमें कमलनाथ और कांग्रेस के लोगों ने झूठे वादे करके सरकार को बना ली थी। किसान कर्जा माफी के नाम पर, बेरोजगारी भत्ता के नाम पर, महिलाओं के लिए जल कल्याण योजनाओं के नाम पर, और 15 महीने सरकार चली और जब किसान ठगे गए तो ज्योतिराज सिंधिया ने एक बड़ा निर्णय लेकर के सत्ता पलटवार करने अपनी भूमिका निभाई और उसके कारण 28 कांग्रेस के विधायक ने इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी सदस्य को लिया। इन 28 को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हीं विधानसभा से भाजपा से प्रत्याशी बनाकर जनता के सामने दिया और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता ने उन्हें स्वीकार करते हुए उनके लिए काम किया और आज लगभग 20 सीटें हम लोग भारतीय जनता पार्टी ने जीतकर मध्य प्रदेश से भाजपा का स्पष्ट बहुमत आ गया है, जिससे कि स्थायी सरकार शिवराज जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चलेगी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।